नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। डॉक्टर ओपी सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन में अवैध शस्त्र, शराब एवं अवैध मादक पदार्थ रखने, क्रय विक्रय, तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत दिनांक 31/3/2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक नवर अभियुक्त अमन राठौर पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम नगलाशर की थाना लाइन जनपद बदायूं को 4 किलो गांजा समेत गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुआवजा संख्या 131/23 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया। थाना मिसौली पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त आकाश यादव पुत्र नरेश यादव निवासी परवेज नगर थाना मिसौली जिला बदायूं को एक अदद राइफल 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज समेत गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुआवजा संख्या 192/2023 धारा 3/25 1B आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मिसौली के समक्ष पेश किया गया। थाना दातागंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मोहम्मद रफी पुत्र नथू अली बंजारा निवासी मोहम्मद छोटा परार कस्बा व थाना दातागंज जनपद बदायूं को एक अदद चाकू नाजायज समेत गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त मोहम्मद रफी उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुआवजा संख्या 162/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। थाना आलापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इस्लामगंज में 1.5 माह पूर्व सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के आरोप में अंकित किए गए हैं। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुआवजा संख्या 175/2023 धारा 376D 534 भादवी पॉक्सो एक्ट बनाम एक बबलू पुत्र आशरा राजू पुत्र सूरजपाल बिंटू पुत्र सरनाम निवासी ग्राम इस्लामगंज थाना आलापुर जनपद बदायूं के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना स्वयं प्रभारी निरीक्षक आलापुर हरपाल सिंह बलियान द्वारा ग्रहण करते हुए घटना की सूचना उच्च अधिकारीगण को दी गई।